घर से दो दिन से लापता मासूम बच्चे का तालाब में मिला शव। जी हाँ, उर्वा ब्लॉक अंतर्गत पट्टी नाथ राय गांव में 13 जून को तीन बच्चों के साथ माता पिता घर के अंदर सो रहे थे। अचानक 3 बजे भोर घर के बगल झोपड़ी में आग लग गई। शोर शराबा सुनकर पिता चंदन कुमार, उसकी पत्नी संजू देवी आग बुझाने के लिए पड़ोस में चले गए। जब वापस घर पर आए तो देखा कि उनके 3 बच्चों में से मझला बच्चा सिद्धार्थ, जिसकी उम्र 5 वर्ष, बिस्तर पर नहीं था। परिजनों ने तुरंत अगल बगल तथा रिश्तेदारी में खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। तब परिजन मेजा थाने पहुंचकर मासूम के गायब होने की लिखित तहरीर दी। मेजा थाना प्रभारी राकेश चौरसिया ने 2 दिन से लगातार बच्चे की खोजबीन में जुटे रहे। आज 2 दिन बाद घर से बाहर 100 मीटर पीछे तालाब में बच्चे का शव उतरता मिला। सूचना पर मेजर थाना प्रभारी राकेश चौरसिया, सिरसा चौकी इंचार्ज दिनेश मिश्रा, जवनिया चौकी इंचार्ज सुशील कुमार दुबे, मैं फोर्स मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर 2 दिन बाद मासूम बच्चे का शव मिलने से घर में मचा कोहराम। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मेजा से रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। आगे जलाते जलाओ लगे तो लाइन ले की घटना है। परसों कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे कहाँ गए थे? 3 बजे भोर कहाँ गए थे? हम 3 बजे भोर गए थे, हमारे पास गए थे 3 बजे। बुतावे चला गए हम और अम्मा मरे उठ के वो दे आई न जगाई न लग के छोड़ के हम पलटी लेके भागे। फिर 10-15 मिनट के बाद हम न तुरंत वापस आवा। अब लाइटिया बुतिया देख आवा तो बत्तिया जलावा लड़के हो। कौन देखा किसने लहर पड़ा है? यही बगल ये के देखे ने बताए। इस तरफ देख रही है? इस तरफ के देखे तब बताए न तो हम कहाँ यादे उतनी आनंद देखो। आप कौन है बच्चे के? पिताजी हैं साहब जी। नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? नाम चंदन है। इस मामला क्या था भैया, पूरा बताए? बताएं। नहीं, ये चंदन के चंदन पासी हैं, उनके लड़का है ये। उनके 3 लड़के हैं, एक 7 साल का, एक 5 साल का, एक 3 साल का। ये 5 साल वाला लड़का है। इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी। ये बड़े मिशन मिलनसार मजदूरा तबके के आदमी हैं। ये 13 तारीख के 3 बजे भोर। अच्छा, तब से लापता था? तब से ये लापता। तो आज कहाँ मिलेगी उनकी लाश? ये बस्ती में ही एक छोटी सी गढ़ी है, उसी में ये मिला। इसने देखा था इसमें है पड़ा? एक बगल के ही एक छोटी सी बच्ची है, 7-8 साल की रही होगी। तो घर की कूड़ा उड़ा फेंकने आई थी इसमें, तो उन्होंने देखा तो ये तो उभरा हुआ था, डेड बॉडी ऊपर थी। तब वो चिल्लाई तो सब अगल बगल के गए, घर वाले भी गए, और फिर प्रशासन को सूचना दी गई। आपका सुनना राजकुमार भाट।